गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं विकी आचार्य, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विकी आचार्य ब्लॉग्स। अभी मैं मनाली में हूँ, पुल के पास सोमेश का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, और हम दोनों जा रहे हैं आज बुरुआ। वहाँ पर छोटी सी पार्टी है पूर्ण, और आज टेम्पो ट्रेवल्स बहुत जा रही है, बहुत ग्रुप आ रहे हैं आज। शायद वहाँ पर एक पार्टी है छोटी सी, और मैं और सोमेश दो जने होंगे वहाँ पर। और बुरुआ काफ़ी दिनों बाद जाना हो रहा है आज। लास्ट टाइम गए थे हम खिचड़ी बनाने, मुझे लगता है एक डेढ़ हफ्ते पहले, उसके बाद आ जा रहे हैं। वैसे हमारे टोल लगता रहता है। इस पुल के बनने से काफ़ी बढ़िया हो गया है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत कम लगता है अब। लेकिन जब फ्लो आता है टूरिस्ट का, तब तो ये पुल भी रोक नहीं पाता है, जाम इतना जाम लगता है, इतने टूरिस्ट आते हैं। लगभग आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पर इंतज़ार करते करते सुरेश का, और अभी भी नहीं आ रहा है। बड़ी देर से बोल रहा है वो कि बस स्टैंड पहुंच गया हूं मैं। अब कौन से बस स्टैंड पहुंचा पता नहीं, देखने को नहीं मिल रहा दूर दूर तक। क्या लेट लतीफ बंदा है, आलसी आदमी। और वहां बुरुआ से 3-4 फ़ोन आ गए मुझे कि पंडित जी कहां पहुंचे कहां पहुंचे। अब उन्हें क्या बताऊं, बंदा ही नहीं आ रहा हमारा। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पहुंच गए हम लोग अपनी फील्ड में, और हमने अपना काम शुरू कर दिया है। और साथ में यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए पूरियां बन रही है। हमारे दोस्त गौतम जी, आज इनकी ड्यूटी लगी है पूरियों के पास। ऑनलाइन की ऑफलाइन यूट्यूब ऑन पर है। हमारी रसोई तो रेडी है जी एकदम से। सुमेश अभी चावल की कढ़ाई ठीक कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, इसमें आ गया थोड़ी, और अपने लिए रख दी हमने यहाँ पर सेकने के लिए। ये सामग्री पानी की सामग्री की दुकान जय जी जय तुए पाले। ते पौना ये लगी जी कुंडी चिली पनीर के लिए। ये आ गया जी अजीना मोटर। वहाँ सामने बन रहा है जी, मुझे लगता है चिकन बन रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर पार्टी है, सब कुछ बनेगा, मीट भी चिकन भी और पनीर भी, वेज नॉन वेज सब कुछ होगा। हुआ नहीं अभी, बस हुआ सेंटर का थोड़ा खाली ना, बस वट दे रहे हैं ठीक है। बाकी हमारे माश नहीं पकड़े आज फिर से, ये मुझे लगता है डिप्पू के हैं फिर से आज, ये टाइम लगाते हैं बहुत ज़्यादा। रसोई हमारी कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ रह गए तो माश। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर दिया है लोगों ने, और चख रहे हैं अभी फ़िलहाल नमक मिर्च। हमारी रसोई बनने के बाद हम भी चले गए हैं लंच करने। हमारे लिए स्पेशल रोटी सब्जी बनाई गई है अंदर। चावल बनके लगभग आधा पौना घंटा हो गया है, तो इसमें एक पलटा मारा जाए जिससे चावल खिल जाते हैं बढ़िया। चलिए जी, अब हमारी रसोई में भोग लग गया है, अब हम खाना खिलाना शुरू कर सकते हैं। ठंड काफ़ी हो गई है और आग का सहारा है, अभी पैर बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए हैं गाइस, और वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया है। अब लोगों का आना शुरू हो चुका है और काफ़ी रश हो गया है। अब मुझे लगता है एक लास्ट गेड़ हम लोगों को खिला देनी चाहिए, उसके बाद फ्री हो जाना चाहिए क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो गई है और हमारी पूरा पैर गीले हो गए हैं पानी से। अभी फ्री हो चुके हैं हम लोग, गांव वाले खुद ही लग पड़े हैं। अब थोड़ी देर हम बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे, फिर निकलेंगे घर की तरफ। अब
अभी हम पहुंच चुके हैं माल रोड मनाली। तो अभी भी रश वैसे ही बिल्कुल बरकरार है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल खचाखच टूरिस्ट भरा हुआ है। तो अभी भी आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। सोमेश की बस थोड़ी लेट है, इसीलिए हम थोड़ा माल रोड घूमेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद बस देखेंगे थोड़ी देर में। तो मंदिर में अभी पूजा हो रही है, पूजा आरती जय हो। बस स्टैंड आ गए हम लोग, यहाँ सोमेश की बस लगी हुई है, 10 मिनट में जाने वाली है। तो सोमेश जा रहा है जी भी फ्रेश होने। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।